अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी YouTube फैमिली, आज मैं आपको अपनी वीडियो में कुछ ऐसे चंद सवालों के जवाब बताऊंगी जो कि हमारे दीन से मुताल्लिक हैं और जो कि आजकल की न्यू जनरेशन हमसे पूछा करती है कि हाँ, जो कि दीन में दिलचस्पी रखते हैं और पूछते हैं कि हाँ ऐसा कब हुआ था या क्या हुआ था, ऐसे दीन में कब हुआ। तो ऐसी कुछ बातें हैं, कुछ सवाल जो न्यू जनरेशन हमसे करती है, तो वो सवाल वो और उसके जवाब छोटे छोटे से सवाल हैं और बहुत ही प्यारे से इंटरेस्टिंग से उसके जवाब हैं। तो आप सुनेंगे इंशाल्लाह ताला तो आपको भी अच्छे लगेंगे, आपको भी अच्छे लगेंगे। और जो दीन में दिलचस्पी रखते हैं जी हमारे भाई बहन, हमारे बहुत से बुज़ुर्गान दीन और क्या कहते हैं, बहुत से हमारे भाई बहन सुनने में दिलचस्पी रखते हैं कि हाँ ऐसा कब हुआ था। और छोटी छोटी बातें हैं जो हमारी नज़रों के सामने से गुजरा करती हैं। तो चलिए बताती हूँ आपको, कुछ सवाल हैं और उसके प्यारे से इंटरेस्टिंग से जवाब हैं। तो हमारा पहला सवाल है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से कहाँ उतारा गया? कि अल्लाह ताला ने जब ये दुनिया बनाई और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में उतारा तो किस जगह पे उतारा? तो जवाब है श्रीलंका, जो कि इस टाइम जो कंट्री, जो देश इस दुनिया में मशहूर है, फेमस है श्रीलंका, वहाँ पर उस आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वहाँ पे उतारा। तो सवाल पहला था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से अल्लाह ताला ने कहाँ पर उतारा? तो जवाब है श्रीलंका में। और हमारा दूसरा सवाल है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर तशरीफ लाने के बाद सबसे पहला फल कौन सा खाया? तो जवाब है बेर। क्या खाया? बेर। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर तशरीफ लाने के बाद सबसे पहला फल कौन सा खाया? जवाब है उन्होंने बेर खाया। और तीसरा सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के लिए निकले तो किस सूरत की तिलावत करते हुए निकले? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत के लिए निकले तो कौन सी सूरत की तिलावत करके निकले? तो जवाब आया कि सूरह यासीन शरीफ। एक और सवाल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस जौजा यानी बीवी हमसफ़र का नाम बताइए जिनका जनाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पढ़ाया। तो जवाब आया कि हज़रत ज़ैनब बिनते खज़ीना रज़ी अल्लाह अन्हा का। हज़रत ज़ैनब बिनते खज़ीना रज़ी अल्लाह अन्हा का जनाजा आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पढ़ाया। फिर सवाल आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले नमाज और वज़ू का तरीक़ा किसको सिखाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले नमाज का और वज़ू का तरीक़ा किसको सिखाया? तो जवाब आया हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को आपने सबसे पहले नमाज का और वज़ू का तरीक़ा सिखाया। उसके बाद सवाल आया कि मस्जिद नबवी के लिए ज़मीन की कीमत किस सहाबी ने अदा की? मस्जिद नबवी के लिए ज़मीन की कीमत किस सहाबी ने अदा की? तो जवाब आया हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने। सबसे पहले मस्जिद नबवी के लिए जो ज़मीन ख़रीदी और उसकी कीमत उन्होंने अदा करी वो सहाबी थे हमारे हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु। फिर सवाल आया कि वो कौन से नबी हैं जिनके 1000 बीवियाँ थीं? वो कौन से नबी हैं जिनके 1000 बीवियाँ थीं? तो जवाब आया हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। तो ये कुछ छोटे छोटे से सवाल और उनके इंटरेस्टिंग से जवाब इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे।